1111 कल के सेशन में किसी को कुछ डाउट है डॉट मेथड में? नो सर, नो सर। ओके सो आज एक अपन नया ट्रिक सीखने जा रहे हैं, ठीक है, एक नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके। सो फर्स्ट आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर नाइन सेवन फाइव टू वन थ्री मल्टीप्लाई बाय इलेवन, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सर चैट में सेंड करेंगे आंसर। यस सर, इसे डॉट मेथड से करेंगे। ओके डॉट मेथड से करेंगे, तो फटाफट इसका आंसर बोलो। यस सर। यस, सुहानी राठौर ने राइट आंसर दिया हुआ है। ओके सो यहाँ पे अपन ने क्या मेथड अप्लाई किया था? डॉट मेथड अप्लाई किया था। डॉट मेथड में क्या था अपन ने कल सीखा था, ठीक है, दोनों साइड अपने को एक एक डॉट अप्लाई करना है, डॉट का वैल्यू जीरो था और टू टू डिजिट ऐड करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इलेवन में टू डिजिट, मल्टीप्लाई बाय वन था 111 में एट ए टाइम थ्री डिजिट ऐड करते थे और टू डॉट्स आता था, ठीक है, और वैसे जितने भी नंबर रहेंगे वन की सीरीज में, ठीक है, ट्रिपल 1111 में कितने डॉट्स थे? टू डॉट्स। 1111 में सर फोर डॉट्स, थ्री डॉट्स, थ्री डॉट एंड एट ए टाइम फोर नंबर ऐड करते थे, ठीक है। फिर आज जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्विन नंबर। अभी कोई बताएगा कि ट्विन नंबर मींस क्या होता है? सर ट्विन्स मतलब जो सेम नंबर्स होते हैं। तो सेम नंबर तो 11 भी सेम ही था। यस सर। तो और कौन से नंबर सेम होते हैं? 22 सर, लाइक यस 22, 44, यस ट्विन नंबर मीन्स जो सेम नंबर है, ठीक है, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्विन नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्विन नंबर में भी सेम आप लोगों को डॉट मेथड अप्लाई करना है, लेकिन इसमें yes, दो स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं। सो एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, मल्टीप्लाई बाय कोई भी ट्विन नंबर आए, सो फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप उसमें आप लोगों को क्या करना है, ट्विन नंबर का जो फर्स्ट नंबर रहता है, जैसे 22 का 2 या 33 का 3 या 44 का 4, ठीक है, 88 का 8, सबसे पहले वो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है वो नंबर से, फिर उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा वहाँ पे आप लोगों को डॉट मेथड अप्लाई करना है, मीन्स वो आंसर से आप लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना है, 11, ठीक है, वो आंसर से आप लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना है, 11।
सो अपन एक ना यहाँ पे नंबर लेते हैं 435 मल्टीप्लाई बाय 33। ओके 435 मल्टीप्लाई बाय 33। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, जो 435 है यस No, उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 3 से। सर 3 से। यस 3। सो 5 3 इज अ 15। 15 3 3 इज अ कितना होता है 9। 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 होता है। 4 3 इज अ सर 4 12 12 प्लस 1 13। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डॉट मेथड अप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 11 के अंदर क्या करते थे, एक एक डॉट, डॉट का वैल्यू क्या था, 0। ठीक है, और दो डिजिट ऐड करते थे, तो 0 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 3 प्लस 1 4 और 1 प्लस 0 1। सो 435 मल्टीप्लाई बाय 33 का आपका आंसर क्या होगा, 14355। ओके, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं। 435 मल्टीप्लाई बाय 33 का आंसर है 14355। ओके, सो कोई भी ट्विन नंबर हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55, 66, ठीक है, 99 तक कोई भी ट्विन नंबर, तो आप लोग को फर्स्ट क्या करना है, जो ट्विन नंबर का फर्स्ट डिजिट रहता है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर डॉट मेथड अप्लाई करना है। ओके, सभी आप लोगों में से कोई भी कोई नंबर बोलिए। 9 8 8 7 6 9 8 8 7 6। ओके, और इससे मल्टीप्लाई अपने को क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 99। ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 99। सो फर्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करेंगे सर, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। यस, वेरी गुड, सबसे पहले आप लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। सो 9 8 8 7 6 मल्टीप्लाई बाय 9, ये क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 9। सो 6 9 सा कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बोला था वैदिक मैथ्स के लिए आप लोगों को 1 टू 9 तक की टेबल तो आने जरूरी है। ठीक है, 6 9 सा 54, 7 9 सा 63 प्लस 5 कितना होता है, 68। ठीक है, फिर 8 9 सा कितना होता है, 8 9 सा 72 प्लस 6 78 होता है, 78। वापिस 8 9 सा कितना होता है, 72 प्लस 8 9 सा बेटा 72 होता है ना, 8 9 सा 72, 72 प्लस 7 79 होता है, 79। वेरी गुड, एंड 9 9 सा 81 एंड 7 88। वेरी गुड, ओके, फिर यहाँ पे आप लोगों को क्या अप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, डॉट मेथड। वेरी गुड, डॉट मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोनों साइड डॉट लिखिए, डॉट का वैल्यू 0, कितने नंबर ऐड करेंगे अपन, 4 2 टू डिजिट। ओके, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट लेना है, डॉट का वैल्यू 0 है, सो 0 प्लस 4 4 4 4 प्लस 8 12 सो 2 लिखना है और 1 को कैरी करना है, 8 प्लस 8 16 16 प्लस 1 17 होता है, 8 प्लस 9
17 होता है और 1 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, फिर 8 प्लस 9 वापिस 17, 17 प्लस 1 कितना होता है 18। 18, 8 प्लस 8 16, 16 और 1 17, 17, 8 प्लस 0 8 और जो कैरी वाला 1 था मीन्स कितना हो जाएगा 9। सो 98876 मल्टीप्लाई बाय 99 का आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन बोला था 98876 मल्टीप्लाई बाय 99 का आपका आंसर क्या होगा? 9 7 8 8 7 2 4। ठीक है, तो ये वैदिक मैथ्स का मतलब ये है कि वैदिक मैथ्स में आप लोग देखो कितने भी बड़े कैलकुलेशन आप लोग विद इन अ सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो ट्रिक्स है, ठीक है, जो सूत्रा से सिर्फ आप लोगों को वो याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक ट्विन नंबर? यस सर। यस सर। यस, अभी और एक कोई स्टूडेंट एक नंबर बोलिए। 9 7 7 9 5 4 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है? ओके, 6 9 5 4 6 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है इससे? 88। ओके 88। ओके बेटा, ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों का? 9 7 9 5 4 6 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 8। मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, वेरी गुड। ओके, सो 6 8 का कितना होता है? 48। यस सर। 6 8 का कितना होता है? 48 होता है, राइट। 8 मैंने लिखा, 4 कैरी किया। 4 8 का कितना होता है? 32 होता है। यस सर। 32 प्लस 4 43 7 8 कितना होता है? 56 plus 7 कैरी वाला 7 था, 56 प्लस 7 57 यस, वेरी गुड, 63 होता है। एंड अगेन 9 8 72 plus 6 78। ठीक है, सो 9 7 9 5 4 6 मल्टीप्लाई बाय 8 आप लोग का होता है 7 8 3 6 3 6 8। अब इससे मल्टीप्लाई क्या करना है, ये आंसर को मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आप लोगों को? डॉट मेथड अप्लाई करके 11 मल्टीप्लाई करना है। डॉट का वैल्यू 0, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से लेना आप लोगों को नंबर। सो 0 प्लस 8 8 8 8 8 प्लस 6 प्लस 6 14 14, वेरी गुड, और कैरी करना है 1। 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 3 plus 6 again 9 9 plus 1 9 10 10 10 होता है।
अगेन 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 सर 10 10 10 8 प्लस 3 11 11 11 प्लस 1 12 12 तो कैरी करेंगे 1 2 लिख के 1 कैरी करेंगे देन 8 प्लस 7 15 प्लस 1 7 प्लस 8 15 16 ओके देन 7 प्लस 0 होता है 7 7 और कैरी वाला 1 कितना हो जाएगा 8 8 आंसर आप लोगों का हो जाएगा 8 6 2 0 0 4 8 ओके 9 7 9 5 4 6 मल्टीप्लाई बाय 88 का आंसर है 8 6 2 0 0 4 8 सो सबको क्लियर है मल्टीप्लाई बाय ट्विन नंबर ठीक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्विन नंबर यस यस सर ठीक है तो अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा वो आप लोग को सॉल्व करना है ओके सर अपन अभी का ही क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं अभी का आंसर क्या था 8 6 2 0 0 4 8 मल्टीप्लाई बाय 55 करें आप लोग ओके 8 6 2 0 0 4 8 मल्टीप्लाई बाय 55 सो फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे पहले इसमें क्या करोगे आप लोग पहले हम लोग मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे यस वेरी गुड बेटा मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे एंड देन उसके बाद जो भी आंसर आएगा से उसमें डॉट मेथड अप्लाई करेंगे देखते इसका आंसर कौन फर्स्ट देता है ठीक उससे ट्राई करो आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना ये क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रहा हूँ 8 6 2 0 0 4 8 मल्टीप्लाई बाय 55 फर्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन लिख के मल्टीप्लाई बाय 5 करना है सर मैं आपको सेंड कर दी मैं क्वेश्चन देखना क्वेश्चन ये रहा सर मेरा आंसर राइट है अपन चेक करते हैं ना बेटा 2 मिनट रुक जाओ ओके सर ठीक है अपन ये जो आंसर ऊपर का सम का आंसर रहता है उसमें अपन ने 55 मल्टीप्लाई किया ठीक है आप लोगों को भी आंसर चेक करते हैं अपन ठीक है बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है तो 8 5 40 कैरी करेंगे 4 4 5 20 20 plus 4 24 then उसके बाद 0 multiply by 5 करेंगे तो कितना आंसर आता है 0 0 आएगा 0 और 2 को अपन लिख देंगे यहाँ पे 2 फिर अगेन 0 multiply by 5 करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा 5 2 10 10 कैरी करना है 1
सिक्स फाइव जा थर्टी और जो वन ऊपर लिखा था मीन्स 31 हो जाएगा। 8 फाइव जा 40 प्लस 3 43। ठीक है सो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है फिर आप लोग को डॉट मेथड अप्लाई करना है। डॉट का वैल्यू क्या है? जीरो है। ओके सो जीरो प्लस जीरो कितना होता है? जीरो। जीरो प्लस फोर फोर होता है। फोर प्लस टू सिक्स। टू प्लस जीरो जीरो होता है। जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है। जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है। ठीक है फिर जीरो प्लस वन 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 प्लस थ्री फोर फोर प्लस थ्री सेवन सेवन और फोर प्लस जीरो ठीक है। ओके अपने यहाँ पे मिस्टेक किया है। जीरो प्लस जीरो जीरो होता है। जीरो प्लस फोर फोर होता है। फोर प्लस टू सिक्स होता है। टू प्लस जीरो टू होता है। यस वेरी फिर जीरो प्लस जीरो जीरो होता है। जीरो प्लस जीरो 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 प्लस वन 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 प्लस थ्री फोर फोर प्लस थ्री सेवन एंड फोर प्लस जीरो फोर। सो आप लोग का आंसर देखो क्या हो जाएगा 4741002640। ठीक है देखते किसने आंसर राइट दिया है 4741002640। ठीक है स्नेहा ठाकुर ने राइट आंसर दिया हुआ है। फिर सुहानी ने भी राइट आंसर दिया हुआ है। ठीक है क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है तो मल्टीप्लाई बाय ट्विन नंबर में आप लोग को यही स्टेप्स याद रखना है। ठीक है सबसे पहले जो भी मल्टीप्लाई बाय ट्विन नंबर हो 22 से लेके 99 ठीक है जो सेम नंबर्स हो सो फर्स्ट स्टेप आप लोग को फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और फिर डॉट मेथड अप्लाई करना है। ठीक है कितना भी बड़ा सम हो फर्स्ट आप लोगों को जैसे 44 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर डॉट मेथड अप्लाई किया। ठीक है वैसे ही ट्रिपल नंबर के लिए भी सेम होता है। ट्रिपल टू हो ट्रिपल थ्री हो ट्रिपल फोर ट्रिपल फाइव ट्रिपल सिक्स ट्रिपल सेवन। ठीक है फर्स्ट आप लोगों को सेम फर्स्ट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है और फिर ट्रिपल वन के लिए कैसे आप लोग करते थे दो डॉट लिखते थे और तीन तीन डिजिट ऐड करते थे। सर एक और क्वेश्चन दीजिए ना करने को। इसका ट्विन नंबर का? यस सर। ट्विन नंबर का आप लोग एक और करोगे एक काम करो फिर अपन करते एक काम। इसका ये जो क्वेश्चन आंसर आया है उससे ही आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 77 को। ओके तो आप लोग का क्वेश्चन क्या है 4741002640 मल्टीप्लाई बाय 77। नहीं देख रहे हैं क्या? ओ, सो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं ठीक है। ठीक अभी सब लोग सम सॉल्व कर रहे तो अपने आप को म्यूट कर लो।
ठीक है, इससे आप लोगों को सबसे पहले तो 7 से मल्टीप्लाई करना है ये नंबर को। सो 07 का कितना होता है 7, 74 का कितना होता है सर? 07 का 0 होगा ना? अरे हाँ सॉरी, 0, 74 का 28, सो कैरी करेंगे 2, 6, 76 का 42, 42 प्लस 2 कितना होगा 44, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, सो यहाँ पे 8 लिख के 1 कैरी करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 7 0 ही होगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 7, 28, सो 2 कैरी करेंगे, 7 7 जा 49 प्लस 2 51 होता है, यस, देन 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 33, ठीक है। फिर ये नंबर को क्या अप्लाई करना है आप लोगों को, डॉट मेथड, मतलब मल्टीप्लाई बाय 11, सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दोनों साइड 0 लिख देंगे, डॉट लिख देंगे, डॉट का वैल्यू 0 होता है, सो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 8 प्लस 4 12, सो 2 लिख के 1 कैरी करना है, 4 प्लस 8 12 और 1 13 होता है, ठीक है, सो 1 कैरी कर देंगे, 8 प्लस 1 9 और 1 10, तो 0 लिख के 1 कैरी करना है, 1 प्लस 0 कितना होता है 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 0 प्लस 7 7 हो गया, 7 प्लस 8 15, 5 लिखो और 1 कैरी कर दो, 8 प्लस 1 9 और 1 10, तो 0 लिखो और 1 कैरी कर लो, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5 होता है, देन 3 प्लस 3 6 और 3 प्लस 0 3, देखो आप लोग विद इन अ सेकेंड में कितने भी बड़े कैलकुलेशन वैदिक मैथ से हेल्प से कर सकते हो। देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोगों ने विद इन अ सेकेंड यहाँ पे सॉल्व कर दिया। जैसे जैसे आप लोग सब सूत्र सीखोगे, ठीक है, टोटल 16 सूत्र, 13 सब सूत्र, तो इसमें एडिशन का भी ट्रिक है, सब्ट्रैक्शन का भी ट्रिक है, ठीक है, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन का भी ट्रिक आएगा। अभी सिर्फ आप लोगों ने सीखा 11, 22, 33, 44 से 99 तक। सो अभी ट्विन नंबर में किसे कुछ डाउट है? नो सर। ठीक है, इसके और 2-3 सम और असाइनमेंट आप लोग प्रैक्टिस करो तो ये आप लोगों को समझ जाएगा। इसमें दूसरा सेकेंड मेथड अपन जो आज करने वाले थे वो थे ट्रिपल नंबर। ठीक है, जैसे ट्विन नंबर है वैसे ट्रिपल नंबर मीन्स 222, 333, 444, 555, ठीक है, वैसे 999 तक जो भी नंबर रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को मुझे वो बताना है कि कल अपन ने जो 111 के लिए डॉट मेथड में कैसे स्टेप किया था, क्या स्टेप्स था सर? इसमें अपन ने दो डॉट्स यूज करे थे वन डॉट की जगह ईच साइड पे। वेरी गुड। और सर दो से सर तीन डिजिट मल्टीप्लाई करे, डिजिट ये और क्या, यस, दोनों साइड दो दो डॉट लिख के तीन तीन डिजिट ऐड करते थे एट अ टाइम, यस, ऐड करे थे। सेम यहाँ पे भी आप लोग को वही करना है। ठीक है, फर्स्ट आप लोग को ट्रिपल डिजिट का कोई भी नंबर हो तो फर्स्ट नंबर से फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 111 वाला मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, 365 मल्टीप्लाई बाय 444, ओके,
365 मल्टीप्लाई बाय 444। तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना। सो अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 5 4 20 20 6 4 6 4 कितना होता है 24 प्लस 2 26 होता है, फिर 3 4 12 12 12 प्लस 2 14 14 14, ठीक है। फिर आप लोग को डॉट मेथड अप्लाई करना है। 111 के लिए कितना था, 2 डॉट था और 3 नंबर ऐड करते थे, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड लास्ट नंबर से ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 6 थर्ड लास्ट नंबर से ऐड करेंगे, 0 प्लस 6 प्लस 4 10 10। सो 0 लिखना है और 1 कैरी करना है। फिर फोर्थ लास्ट नंबर से ऐड करो, 6 प्लस 4 प्लस 1 11 11 11 11 प्लस 1 12 12। सो 1 कैरी करेंगे, ठीक है। अभी कौन से नंबर से ऐड करोगे, 4 से ऐड करना है आप लोगों को, 4 प्लस 1 प्लस 0 5 5 प्लस कैरी वाला 1 कितना होता है, 6 होता है। और अभी 1 प्लस 0 प्लस 0 1, ठीक है। तो देखो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 365 मल्टीप्लाई बाय 444 का आंसर आप लोग को क्या होगा, 162060। क्लियर है सबको यहाँ तक, यस सर, ठीक है। 111 में भी जैसे ट्विन नंबर अप्लाई, ट्विन नंबर जैसे अप्लाई किया था आप लोग को, सेम वैसे ही करना है, ठीक है। सो अभी आप लोगों में से मुझे कोई नंबर बोलिए सर। 81 6 81 81 3 2 3 81 3 2 3 ओके, मल्टीप्लाई बाय 44 सर 40 55 55, ठीक है। 555 लेते हैं अपन यहाँ पे, ओके ओके सर। सो अभी फर्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या है सर, हम फर्स्ट डिजिट जो है 5 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यस, वेरी गुड बेटा, ओके। फर्स्ट आप लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। सो 3 5 से कितना होता है, 15 15 15 15 कैरी किया 1। फिर 2 5 से 10 10 10 और 1 11 11 हो जाएगा। फिर 3 5 से 15 15 प्लस 1 16 16, सो 6 लिखेंगे और 1 कैरी करेंगे। 5 5 5 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 6 6 8 5 40 40 40, ठीक है। और कुछ कैरी नहीं करना है तो 40 ही रखेंगे। सो ये आप लोग का, फिर 111 करने के लिए इसमें नेक्स्ट मेथड क्या था, नेक्स्ट स्टेप सर, हम डॉट मेथड करेंगे। कितने डॉट अप्लाई करेंगे यहाँ पे सर, 2 2 डॉट ईच साइड। और कितने नंबर ऐड करने हैं, 3 डिजिट एट अ टाइम, एट अ टाइम, वेरी गुड। 3 डिजिट एट अ टाइम, डॉट वैल्यू इज 0, सो 0 प्लस 0 प्लस 5 5 5 होता है। सेकेंड लास्ट नंबर से लेना है, 0 प्लस 5 प्लस 1 6 6 6 6, 5 प्लस 1 प्लस 6 12 12, सो 2 लिख के 1 को कैरी करना है। फिर 1 से आएगा 1 प्लस 6 प्लस 6 13 13, और कैरी वाला जो 1 था मीन्स कितना हो जाएगा, 14, सो 4 लिखो और 1 को कैरी करो, ठीक है। फिर ये वाला जो 6 था यहाँ से लेंगे, ठीक है। अभी कहाँ से लेंगे, अपन ने अभी किधर से लिया था, 1 से लिया था, राइट। 6 6 6 6 प्लस 0 12 12 12 प्लस 1 13 13, तो 1 कैरी करेंगे।
फिर अभी ये वाले सिक्स से लेंगे, सिक्स प्लस जीरो प्लस फोर टेन, टेन प्लस वन इलेवन, सो वन लिखना है और वन कैरी करना है। फिर जीरो से लेंगे, जीरो प्लस फोर प्लस टू, जीरो प्लस फोर प्लस जीरो फोर होता है, फोर और वन कितना होता है फाइव, और फोर प्लस जीरो कितना होता है फोर। देखो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, फोर फाइव वन थ्री फोर सिक्स, ठीक है, एट वन थ्री टू थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल फाइव का आंसर आप लोगों का कितना होगा, फोर फाइव वन थ्री फोर टू सिक्स फाइव। ठीक है, अभी आप लोग को ये क्लियर हुआ सबको, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? सर आप लोग को ये इससे है ना, इससे क्या मल्टीप्लाई करना है, ट्रिपल टू को मल्टीप्लाई करिए आप लोग, ठीक है, फोर फाइव वन थ्री फोर टू सिक्स फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्रिपल टू करिए आप लोग। तीन गिलास चावल के सोडा, तीन गिलास दूध डालेगी और एक गिलास इधर हम लोग को बनाना है। हाँ, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ट्रिपल टू मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। फर्स्ट आप लोग टू से मल्टीप्लाई करोगे इससे, टू से मल्टीप्लाई तो इजी है। फाइव टू सा कितना हो जाएगा टेन, कैरी हो जाएगा वन, सिक्स टू सा कितना होगा ट्वेल्व प्लस वन कितना होता है थर्टीन, टू फोर टू टू सा फोर प्लस वन कितना होगा फाइव, फोर टू सा एट, थ्री टू सा सिक्स, टू वन सा टू, फाइव टू सा कितना होगा टेन, सो जीरो लिखना और वन कैरी करना है, फोर टू सा कितना होगा एट और कैरी वाला वन, मीन्स कितना हो जाएगा नाइन। सो फर्स्ट आप लोग का आंसर आ जाएगा नाइन जीरो टू सिक्स एट फाइव थ्री जीरो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टू करके। फिर आप लोगों को डॉट मेथड अप्लाई करना है, सो दो डॉट टू डॉट ईच साइड वन और वन वन नाइन एट एट थ्री। यस, वेरी गुड बेटा। ठीक है, देखो कितने जल्दी आंसर आ गया, डॉट का वैल्यू जीरो है, तीन तीन नंबर ऐड करना है, सो लास्ट थ्री नंबर ऐड करेंगे राइट हैंड साइड से, सो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कितना होता है आप लोगों का आंसर जीरो ही आता है। फिर सेकेंड लास्ट नंबर से लेंगे, जीरो प्लस जीरो प्लस थ्री कितना होता है थ्री। थर्ड लास्ट नंबर से लेंगे, जीरो प्लस थ्री प्लस फाइव कितना होता है एट। वे फोर्थ लास्ट नंबर से लेंगे, थ्री प्लस फाइव प्लस एट कितना होता है सिक्सटीन, सिक्स लिखना है और वन कैरी करना है। फिर फाइव से लेंगे, यहाँ पे फोर्थ लास्ट नंबर से फाइव प्लस एट प्लस सिक्स कितना होगा, फाइव प्लस एट कितना होता है थर्टीन, थर्टीन प्लस सिक्स कितना होता है नाइनटीन, नाइनटीन और कैरी वाला वन 19 और कैरीड वाला 120 होता है, तो 2 लिखो कैरी करो और 0 लिखो यहाँ पे। फिर कहाँ से ऐड करेंगे अपन, 8 से करेंगे, 8 प्लस 6 प्लस 2, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 14 प्लस 2 होता है वेरी गुड 16, 16 प्लस 2 कितना होता है 18, 18 8 आप लोग को लिखना है और 1 कैरी करना है।
ठीक है, अभी आप लोग कहाँ से ऐड करोगे, ये 6 से ऐड करोगे, राइट। 6 प्लस 2 प्लस 0, 6 प्लस 2 प्लस 0 कितना होता है 8, और 1 जो कैरी किया था मीन्स कितना हो गया 9। फिर 2 प्लस 0 प्लस 9 कितना होता है 11। 11 का 1 लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। फिर 0 प्लस 9 प्लस 0 9 होता है, 9 और 1 10 हो गया, तो 0 लिखना और 1 कैरी करना है। Yes. फिर फर्स्ट 3 नंबर 9 प्लस 0 प्लस 0 9 और कैरी वाला 1 मींस 10, सो इसका आंसर आ जाएगा 1001980683 0। क्लियर सबको यहाँ तक, समझा? यस ठीक है, डबल नंबर, ट्रिपल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ट्विन नंबर, थ्राइस नंबर, ट्रिपल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, सबको क्लियर है? यस यस सर, यस सर। ठीक है, सो आप लोगों को ऐसे बाकी के सम भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, सो ऐसे ही आप लोगों को इसमें सम को प्रैक्टिस करना है। यस ठीक है, और इसके जो भी डाउट रहेंगे आप लोग मुझे कल पूछ लो। सो अभी क्या करेंगे, अपन गेम खेलना है आप लोगों को, जैसे कल खेला था? यस सर, यस सर। लेकिन आज आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। यस सर, ओके सर। आज थोड़े हार्ड रहेंगे तो चलेगा ना? यस सर, यस सर, यस सर। ओके ये फर्स्ट आप लोगों को कि ट्राइंगल काउंट करना है कि कितने ट्राइंगल है। फाइव। अभी आंसर सब लोगों ने देखा लगता है। ठीक है, कैसे ये 1, ये 2, ये जो ये 3, ये 4, 4 ही होता है, 5 किधर होता है? सर 5 जो पूरे ट्राइंगल बड़ा है। यस वेरी गुड, जो बड़ा ट्राइंगल है वो क्या हो जाएगा, 5th वन। यस, इसका आंसर देखो 5 ही है। फिर यहाँ पे इसका आंसर बोलो अभी आप लोग। वी हैव टू प्लस दोस। वन सेकंड। फोर आंसर नहीं होगा बेटा। प्लस टू एंड थ्री, वन इज इक्वल्स टू थ्री एंड फाइव एंड टू इज इक्वल्स टू सेवन एंड थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स। यस वेरी गुड, ओके, इसका आंसर राइट आंसर है 6। ठीक है, इसका राइट आंसर है 6। देखो ठीक है, एडिशन एडिशन, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 5 प्लस 2 कितना होता है 7, तो वैसे 3 प्लस 3 कितना होगा 6। जो स्टूडेंट 4 आंसर बोल रहा था उसने मिस्टेक क्या किया, देखो उसने कैसे किया था, 5 माइनस 2 करके उसने अज्यूम किया कि 3, बट यहाँ पे बेटा माइनस किधर हो रहा है, यहाँ पे तो प्लस हो रहा था ना। यस, तो फिर आपने 4 माइनस 3 करके, 7 माइनस 3 करके 4 आंसर जो बोला वो रॉन्ग है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, 6। ओके, इसका राइट आंसर देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है 6। यस ओके, इसका आंसर बताओ। सर इट 5 नहीं नहीं 2 टोमेटो, 2 टोमेटो का टोटल होता है 4, 1 टोमेटो और 1 भिंडी का टोटल होता है 5, तो कैसे होगा? 6 6 टोमेटो इज इक्वल्स टू 2 एंड लेडी फिंगर इज इक्वल्स टू 3। यस वेरी गुड, ठीक है, टोमेटोज देखो 4 है मींस 2 प्लस 2 इक्वल टू 4,
यस सर. देन टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव. सो टोमेटो इक्वल टू टू एंड थ्री. तो टू थ्री सा कितना होता है आंसर आप लोगों का? सिक्स. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. यस सर. अभी नेक्स्ट है इसका आंसर क्या होगा? सिक्सटीन. कोई स्टूडेंट बोल रहा है 16, कोई स्टूडेंट बोल रहा है 16 ओनली. 16 सर. 16 सर. 16 वाले स्टूडेंट आंसर बताओ कैसे है और 6 वाले बोलो आंसर कैसे है. 16 प्लस 16 32 32 32 32 34. सर आंसर होगा आपका क्या है? ये इसका आंसर क्या है? 16 है. ये इसका आंसर क्या है? 16. ओके करता हूँ उनसे बात. देखो ये देखो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप लोग को आंसर आएगा. सर मेरा डिफरेंट तरीका से आया. सॉरी सर मैंने एडिशन करके करा. यस yes, वैसे भी चलेगा. आपने एडिशन कर लिया कि 2 प्लस 2 कितना था 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16. या तो फिर आप लोगों को ऐसे करना है 2 2 सा कितना होता है 4, 4 2 सा कितना होता है 8, 8 2 सा कितना होता है 16, 16 2 सा कितना होता है 32 एंड 32 2 सा कितना होता है 64. ठीक है. सो 16 आंसर इज राइट आंसर. यस सर. नेक्स्ट आप लोग को सर्कल काउंट करना है. टोटल सर्कल कितने हैं? और कैमरा चाहिए. 12. टोटल 12 सर्कल है यहाँ पे. ये टोटल कितने सर्कल है यहाँ पे? 12 सर्कल. ठीक है. ये 1 Each circle ये is having 3 circles and 3 4s are 12. Yes, very good. Each circle have 3 4s are 12. इसका आंसर बताओ आप लोग. ये लास्ट सर 160. ये चेक करते अपना आंसर. यस राइट आपका आंसर. 160 इज राइट आंसर. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ठीक है. सो यहाँ पे आज का सेशन अपना फिनिश होता है. ठीक है. ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगा. यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं. सर. नो सर. कोई प्रॉब्लम नहीं. नो सर. नो नो प्रॉब्लम. पुष्पेंद्र सर. जी 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 सर. थैंक यू सर. बहुत ही अमेजिंग सेशन था. अगर किसी को कुछ पूछना है तो कृपया पूछ लीजिए. मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके. कुछ पूछना है किसी को या सब कुछ समझ में आ गया आपको? नो सर. समझ में आ गया? नो सर. ठीक है चलिए. अच्छा देखिए अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए क्योंकि सर जो पीडीएफ भेजेंगे वो मैं वो आपको ग्रुप में शेयर करूंगा. तो अगर कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो कृपया ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए. और कल हमारा लास्ट डे रहेगा है ना, थर्ड क्लास हमारा रहेगा. तो टाइम से आइएगा और अच्छे से अटेंड करिएगा. और उसके बाद सभी लोगों को हमारी तरफ से सर्टिफिकेट भी रहेंगे. और जो कल एक छोटा सा हम लोग टेस्ट भी ले लेंगे उसमें सर उसमें हमें लगेगा कि जिसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है उसको हमारी तरफ से कोई गिफ्ट भी रहेगा है ना. सो अच्छे से अटेंड करना है, अच्छे से समझना है. अब देखिए गिफ्ट का लालच आपको इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि आप अच्छे से समझो
है ना, क्योंकि देखिए आपने 3 दिन का आप समय लगा रहे हो, है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको ना अच्छे से सारी चीज समझ में आना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ध्यान से आपको समझना है, ध्यान से करना है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम कल कुछ टास्क भी फिर आपको देंगे हम लोग, है ना। चलिए, चिराग सर कुछ बोलना है सर, या फिर अब नहीं सर, है ना। नहीं सर, चलिए, मैरी क्रिसमस सब लोगों को। सभी लोगों मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, अच्छे से खाना वाना खाइए, थैंक यू सर। बिल्कुल, अच्छे से खाना वाना खाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। मिलते हैं कल हम 7 बजे, ओके। चलिए, ओके बाय सर, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर। दुबे साहब नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके, मैरी क्रिसमस। ये रिटर्न फाइल किया था ना इसका ना, मेरे को लॉगिन आईडी चाहिए होगा, क्योंकि अभी वो कंपनी का वो रिटर्न फाइल वो करना है, तो ये सीए मांग रहा था, है ना, क्योंकि मेरे नाम से सारी चीज़ होंगी, तो ये आप दे दीजिएगा लॉगिन आईडी वगैरह। थैंक यू। आपने ग्रुप ज्वाइन किया है, ग्रुप में मैंने भेज दिया था, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू।